नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एक और रैपिड सीरीज, आपके एग्जाम का बूस्टर डोज। कल एग्जाम है आपका, जिन भी लोगों का है, पुस्तकें और उनके लेखक इतना पढ़ के जाइए। मैक्सिमम राइटर्स को मैंने कवर कर रखा है, तो इसे आपके लिए एक बूस्टर डोज की तरह मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आपके एग्जाम में क्वेश्चन की संभावना ज्यादा रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि शैडो लाइन जो पुस्तक है, उस शैडो लाइन को लिखा किसने है? तो ध्यान रखेंगे, अमिताभ घोष ने शैडो लाइन लिखा है। द ग्लास पैलेस, द ग्लास पैलेस को भी अमिताभ घोष ने ही लिखा है, ये बात ध्यान रखिएगा। शेम अगर पुस्तक की मैं बात करूं तो सलमान रुश्दी, और सलमान रुश्दी की एक पुस्तक और है सैटनिक वर्सेज, सैटनिक वर्सेज इनकी एक पुस्तक का और नाम है, ध्यान रखेंगे। चलिए मोती महल के बारे में अगर मैं बात करूं, मोती महल को लिखा किसने है? तो ये ध्यान रखेंगे, गोविंदाय गोपीनाथ मोहंती ने। आपका आंसर बी यहां पर सही जवाब आ जाएगा। गुलामगिरी पुस्तक को ज्योतिबा फुले ने लिखा है, ये बात ध्यान रखिएगा। नील दर्पण आपके दीन बंधु मित्र ने लिखा है। गीता रहस्य की बात करूं तो बाल गंगाधर तिलक की लिखी हुई है, और केसरी और मराठा पत्रिका भी इन्हीं के द्वारा निकाले जाती थी। किस लेखक द्वारा द व्हाइट टाइगर, अगर व्हाइट टाइगर की बात करूं मैं तो वो आपके अरविंद अडिगा ने लिखा है, व्हाइट टाइगर के बारे में ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया, ये आपके अरविंद अडिगा की बात होती है। वेकअप इंडिया, अगर मैं वेकअप इंडिया की बात करूं क्वेश्चन नंबर 9 में, तो वेकअप इंडिया को लिखा है किसने? एनी बेसेंट ने। इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसे आप एनी बेसेंट लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। एनी बेसेंट ने लिखा है किसको? वेकअप इंडिया को, ठीक है। यंग इंडिया ये आपका प्रकाशित होती थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसने काव्य मीमांसा? राजशेखर ने काव्य मीमांसा लिखा है। इंडिया आफ्टर नेहरू, अगर इंडिया आफ्टर नेहरू की बात करूं मैं तो कुलदीप नैयर ने इंडिया आफ्टर नेहरू लिखा है। बिटवीन द लाइंस भी आपके कुलदीप नैयर ने लिखा है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेवर क्योर, नेवर क्योर नहीं है, असल में ये नेचर क्योर है, ठीक ना, ये नेचर क्योर है। और नेचर क्योर पुस्तक को लिखा है किसने? तो मोरारजी देसाई ने, ध्यान रखिएगा। किसने चंद्रकांता? देवकी नंदन खत्री ने। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने, आपको पता ही है। द स्मॉल पोस्ट नहीं है, ये बेसिकली स्पीड पोस्ट है, स्पीड पोस्ट लिखा है शोभा डे ने। ब्रोकन विंग्स सरोजनी नायडू, दाम द कॉमरेड यशपाल ने लिखा है। पल्लव पुस्तक आपके सुमित्रा नंदन पंत ने। आपके चिदंबरा की अगर मैं बात करूं तो चिदंबरा भी आपके सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। गाइड जो लिखा है वो आर के नारायण ने लिखा है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। मालगुडी डेज भी कई बार पूछा गया, ये भी आर के नारायण ने लिखा है। सुटेबल बॉय विक्रम सेठ ने लिखा है। द गोल्डन गेट भी इन्होंने लिखा है, द गोल्डन गेट भी जो है इन्होंने ही लिखा है, ठीक है। किस लेखक द्वारा गीतांजलि, इसी के लिए इनको क्या मिला हुआ है, इसी के लिए इनको प्राइज मिला हुआ था, पहला आपका साहित्य के लिए नोबल। चित्रांगदा भी आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। गोरा भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। और आपके हंग्री स्टोन्स भी आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। माई ट्रूथ बगाऊ मैं, तो ये लिखा है आपके इंदिरा गांधी ने। मिलिंद पन्नो नागसेन ने लिखा है। बीजक कबीरदास, ठीक है। कूली मुल्कराज आनंद की लिखी हुई कृति है। पद्मावत आपके मलिक मोहम्मद जायसी। किताबुल हिंद बरूनी ने लिखा है। जजमेंट की बात करूं मैं तो जजमेंट लिखा है आपके कुलदीप नैयर ने, कुलदीप नायर ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस नेबर्स आपके कुलदीप नायर ने ही लिखा है। पैसेज टू इंग्लैंड ये लिखा है आपके नीरज सी चौधरी ने। चलिए संवाद कौमुदी की अगर मैं बात करूं तो संवाद कौमुदी लिखा है आपके राजा राम मोहन राय ने। सोम प्रकाश, अगर मैं 39 नंबर के क्वेश्चन की बात करूं तो ये लिखा है आपके किसने? विद्यासागर ने, ईश्वर चंद विद्यासागर ने। इंडिपेंडेंट नामक की पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा है आपके मोतीलाल नेहरू ने। पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया आपके कौन है? ये आपके दादा भाई नेहरू जी। अमृत बाजार पत्रिका की अगर मैं बात करूं तो अमृत बाजार पत्रिका लिखा है आपके 42 के ए ने, शिशिर कुमार घोष ने। फ्री हिंदुस्तान, अगर फ्री हिंदुस्तान की मैं बात करूं तो इसे लिखा है आपके शिवानंद ने। आपका जो आप 43 नंबर का क्वेश्चन होगा, 43 नंबर के क्वेश्चन में आपके कौन से जवाब आएंगे? तो यहां पर आपका जवाब आएगा कौन सा? ये आपका जवाब आएगा शिवानंद। चलिए द रिवॉल्यूशनरी, अगर मैं 44 नंबर के क्वेश्चन में बात करूं, द रिवॉल्यूशनरी लिखा है आपके सचिंद्र नाथ सान्याल ने। ये तो आपका जवाब नहीं है, सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखा है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे की बात करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की अगर मैं बात करूं 45 नंबर के क्वेश्चन में, तो ये लिखा है आपके दयानंद सरस्वती ने, बिल्कुल सही जवाब।
चलिए हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, अगर कांग्रेस की हिस्ट्री की बात करोगे ना तो हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस 46 नंबर के क्वेश्चन में ये लिखा है आपके शिवानंद, ध्यान रखेंगे। इंडिया अर्नेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इंडिया अर्नेस्ट ने लिखा है आपके 47 नंबर का क्वेश्चन, इंडिया अर्नेस्ट ने लिखा है आपके, वॉल्टरिन चिरोल ने लिखा है, ये बात ध्यान रखिएगा। इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस, अगर इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस की अगर मैं बात करूं 47 नंबर के क्वेश्चन, 48 नंबर के क्वेश्चन में, तो ये लिखा है आपके किसने, तो ये लिखा है आपके चितरंजन दास ने। चलिए 48 नंबर के क्वेश्चन में आपका चितरंजन दास आ जाएगा। देवी चौधरानी आपके वंकिम चंद चटर्जी ने, और आपके आनंद मठ भी आपके किसने लिखा है, तो आनंद मठ भी लिखा है आपके वंकिम चंद चटर्जी ने। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद की रचना है। डिवाइन लाइफ की अगर मैं बात करूं तो डिवाइन लाइफ जो लिखा है वो अरविंद घोष ने लिखा है, अरविंद घोष ने लिखा है किसको, डिवाइन लाइफ को, इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। चलिए अ वॉइस ऑफ फ्रीडम, अ वॉइस ऑफ फ्रीडम की अगर मैं बात करूं तो ये लिखा है आपके नयनतारा सहगल ने, ठीक है। बात करते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में, तो इसे लिखा है आपके कार्ल मार्क्स ने। मीन काम्फ ये एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। प्रिंस की बात करें तो मैकियावेली ने लिखा है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की रचना है। रिपब्लिक की बात करें तो प्लेटो ने लिखा है। चलिए अनटू द लास्ट जॉन रस्किन की लिखी हुई कृति है। इंडिया डिवाइडेड 59 नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है, राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है, और इंडियन फिलोसफी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर आपके कौन, एस राधा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा है। एशियन ड्रामा आपके लिखा है गुरनार मिर्डल ने। एसेज ऑन गीता लिखा है आपके अरविंद घोष ने। चलिए मधुशाला आपके हरिवंश राय बच्चन, बिल्कुल सही जवाब। वॉर एंड पीस आपके लियो टॉलस्टॉय ने लिखा है। भारत भारती जो लिखा है आपके मैथिली शरण गुप्त ने, 65 नंबर के क्वेश्चन में जो जवाब होगा आपका वो आपका लियो टॉलस्टॉय होगा, ठीक ना, ये बात ध्यान रखेंगे। भारत भारती का जो जवाब होगा वो मैथिली शरण गुप्त होगा, ठीक है। मदर इंडिया कैथरीन मेयो ने लिखा है। मिडनाइट चिल्ड्रंस आपके अरविंद सलमान रुश्दी ने लिखा है। लाइफ डिवाइन ये भी लिखा है आपके अरविंद घोष ने, ये तो आ चुका है क्वेश्चन। माय लाइफ स्ट्रगल, मेरे लाइफ का जो स्ट्रगल है वो लिखा है आपके 69 नंबर के, अगर क्वेश्चन में मैं बात करूं तो 69 नंबर के क्वेश्चन में खान अब्दुल गफ्फार खान ने लिखा है, ये सही जवाब ए हो जाएगा। और हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो लिखा है वो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ लिखा है आपके राधाकृष्णन जी ने। तो ये आपके टोटल बुक्स एंड ऑथर को लेकर के क्वेश्चंस रहे। इन बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चन के 70 क्वेश्चन यहां है, इसके पहले भी एक वीडियो पड़ी हुई है, आपके पास टाइम रहे जरूर देखिए इसको, तो जरूर देख के जाइएगा, आपके एग्जाम में काफी बेनिफिट होगा। चलिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।